मोबाइल में, सासू माँ मैं फोटो देख रही हूँ मोबाइल में। किसकी फोटो देख रही है? मेरे पति देव की फोटो देख रही हूँ, क्योंकि उनकी फोटो ना मोबाइल में ही अच्छी लगती है। चल खड़ी हो, मेरे लिए चटपटी सब्जी बना, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे और कलेजा दुख रहा है मेरा। ओफो सासू माँ, अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप ना बूढ़े हो चले हो, इसीलिए आपको कम नमक और मिर्च की सब्जी खानी चाहिए, चटपटी नहीं। रहने दे, ज्यादा जुबान मत लड़ा, बुढ़ापे में ही भाती है चटपटी सब्जी, फीकी सब्जी नहीं भाती बुढ़ापे में। और जाकर सब्जी बना। सासू माँ मैं चटपटी सब्जी कैसे बनाऊं, घर में मसाले तो है ही नहीं। वो देख सामने रसोई में डब्बों में पड़े हैं मसाले। तो फिर सासू माँ मैं ना एक काम करती हूँ, लाल मिर्च डालकर बढ़िया से चटपटी सब्जी बना देती हूँ आपके लिए। अरे लाल मिर्च डालेगी तभी तो चटपटी बनेगी सब्जी। सासू माँ नमक तो नहीं डालना ना? नमक वगैरह सब कुछ डाल दे और चटपटी सी सब्जी बना दे। चल ऐसा कर तू पनीर की सब्जी बना दे। पनीर की सब्जी? पर सासू माँ पनीर तो घर में है ही नहीं, क्योंकि भैंस ने तो दूध दिया ही नहीं आज। अच्छा तो मुझे लगता है तूने भैंस को टाइम पर चारा नहीं दिया होगा। आप बाजार से चारा लेकर भी आए थे सासू माँ? अंदर बोरे भरे पड़े हैं चारे के, पर महारानी को तो जोर आता है। सासू माँ सारे बोरे खाली पड़े हैं। हे भगवान, मेरे घर में कुछ भी खाली नहीं रहता। अच्छा सासू माँ तो ऐसी बात है, फिर आप खुद क्यों नहीं दे देते चारा भैंस को? तो तुझे किस लिए लाई हूँ मैं यहाँ पर? अच्छा तो इसका मतलब इस घर में मैं भैंस को चारा डालने के लिए आई हूँ। चल छोड़ भैंस बाजी, तू ऐसा कर मेरे लिए बेसन के गट्टे बना दे। बेसन के गट्टे? सासू माँ बेसन गट्टे की सब्जी खाने से आपके पेट में गैस बन जाती है। अगर मेरे पेट में गैस बन जाती है तो तू हलवा बना दे। हलवा? ओफो सासू माँ आप भी बड़े भुलक्कड़ है, आपको तो शुगर है शुगर, तो मैं आपको मीठा हलवा कैसे खिलाऊं? डॉक्टर ने मना किया है ना? डॉक्टर ने मना नहीं किया मुझे, डॉक्टर ने ये बोला है कि हलवा खाने से धीरे धीरे शुगर ठीक हो जाएगी। ओफो सासू माँ अगर आप ये सब खाओगी ना तो आप जल्दी ऊपर टपक जाओगी और हमारे लिए आपका तेरवा करना भारी पड़ जाएगा। देख हलवा खाने के लिए मना किया है ना डॉक्टर ने मुझे, खीर खाने में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चल खड़ी हो मेरे लिए खीर बना। अरे सासू माँ अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया था कि भैंस ने आज दूध नहीं दिया तो पनीर भी नहीं बना, तो खीर कहाँ से बनेगी? अरे तुझे तो बहाना चाहिए, चूल्हे के पास जाने में तो तुझे जोर आता है। अरे जोर तो आएगा ना सासू माँ, गर्मी कितनी है, ऊपर से पसीना टपकता है टप टप टप। चल फिर मेरे लिए दाल बाटी चूरमा बना दे। दाल बाटी चूरमा आपके लिए? सासू माँ दाल बाटी चूरमा भारी होता है, अगर वो खाओगे ना तो आपका पेट भारी हो जाएगा, गैस बन जाएगी आपको, और फिर आपको ना गंदी गंदी डकार पे डकार आएगी। हे भगवान, अगर दाल बाटी चूरमा भारी होता है तो हल्का क्या होता है? अरे सासू माँ हल्की होती है चावल और दाल की खिचड़ी, अगर आप कहो तो आपके लिए बना दूं। क्या खिचड़ी? कोई मैं बीमार हूँ और मैंने कभी खिचड़ी नहीं खाई। तो फिर सासू माँ मैं ना आपके लिए पोहे बना दूं? पोहे नहीं भाते मुझे। तो फिर मैं आपके लिए इडली बना दूं? नहीं नहीं। तो फिर सासू माँ मैं आपके लिए क्या बनाऊं? तू मुझे कुछ और चीज बना के खिला। ओफो सासू माँ इस और चीज का कोई नाम तो होता होगा, नाम बताओगी तभी तो मैं कुछ बना के खिलाऊंगी आपको। मैंने इतने नाम बताए, पनीर बना दे, खीर बना दे, बेसन के गट्टे की सब्जी बना दे, दाल बाटी चूरमा बना दे, पर तू तो कहती है हर किसी से मुझे गैस बनती है, तो तू ऐसा कर गुलाब जामुन की सब्जी बना दे। गुलाब जामुन की सब्जी? सासू माँ आपने कभी गुलाब जामुन देखे भी है जो मैं आपके लिए गुलाब जामुन की सब्जी बना दूं?
हाँ बहुत देखे हैं, जब मैं बाजार जाती हूँ ना मिठाई की दुकानों में ट्रेओं में सजी होती हैं। तो फिर सासू माँ आपने बस देखे ही होंगे, खाए तो आपने होंगे नहीं। तो तू खिला दे। सासू माँ आप ही बाजार से लेके आओ, पड़े तो है फ्रिज में। सासू माँ फ्रिज में कोई गुलाब जामुन नहीं है, वो तो सब खत्म हो गए। हे भगवान मेरी माँ, तू ऐसा कर सड़क से पत्थर उठा के ला, तड़का लगा कर मुझे दे दे। हाँ सासू माँ, ये काम मैं अपनी प्योरी सी सासू माँ के लिए जरूर करूंगी। हाँ अब तो तू मुझे पत्थर ही खिलाएगी, और तो कुछ तुझसे बनता नहीं। सासू माँ मुझे ना काम चोर कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कहा था कि पत्थर लाके तड़का लगा के मुझे खिला। पत्थर खिला अपनी माँ को। सासू माँ मेरी माँ तक मत जाइए, तो अपनी चाची को खिला दे। सासू माँ मेरी चाची मेरी भाभी है ना, किसी को मैं बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो ऐसा कर अपने बाप को खिला दे। सासू माँ मैं पहले बोल रही हूँ, मेरे खानदान पे मत जाइए आप, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। मोटी गई की खा खा के तो खुद मोटी हो रही है, और गुस्सा कर रही है मेरे परिवार पे। बुढ़ी होगी तेरी माँ, भूखी होगी तेरी माँ। सासू माँ चुप कर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ आपको। बोलने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा मत बोलो। आप ऊंची टोकरी, आप वो भूखे घर की, आप हो भूखे घर की, तुम होगी ठीक है, तुम्हारा बाप होगा भूखा। सासू माँ मेरे बाप तक मत जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देती हूँ आपको। तुम्हारा सारा खानदान भूखा। मेरे खानदान पे जाओगे आप। अरे वाह क्या मस्त फोटो आई है, क्या लग रही हूँ मैं, मेरे जन्मदिन की इतनी खूबसूरत फोटो है। एक काम करती हूँ मैं ना, इन फोटो का एक अच्छा सा एल्बम बनवाऊंगी। तैयार हो गई बहू? हाँ सासू माँ, आपने कहा था ना कि नहा धोकर तैयार हो जाना, तो मैं तैयार हो गई। अच्छा किया जो तू तैयार हो गई, अब मैं तो थक गई। तो फिर मैं क्या करूँ अगर आप थक गई तो? तू ऐसे कैसे बोल रही है बहू? सासू माँ अभी आपने तो कहा कि आप थक गई है, तो अब आप थक गई है तो फिर मैं क्या करूँ इसमें? देख तू नहा धोकर हो गई है तैयार। मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन इसमें आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? अब मैं तो करूँगी आराम, और तू जाकर भैंसों के लिए काट चारा। क्यों मैं क्यों काटूँ भैंसों के लिए चारा? मैं नहीं काटती कोई चारा वारा। क्यों? सासू माँ मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझे चारा काटने के लिए लेकर आए हैं क्या? मैं नहीं काटती कोई चारा वारा। तू पढ़ी लिखी तो है, पर देख मैं हो चली बूढ़ी और तू रही जवान, तो ये चारा वारा मुझसे नहीं करता अब। ओफो सासू माँ गुस्सा क्यों होते हो? मैंने थोड़ी ना बोला आपको चारा काटने के लिए, ये तो आपकी मर्जी, आप चारा काटो या ना काटो, इसमें मैं क्या करूँ? ओहो तो तू पढ़ी लिखी है तो तू कुछ काम नहीं करेगी? मैं भी बूढ़ी हो चली, मुझसे भी नहीं होता ये सब काम। तो सासू माँ मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर का ये छोटा मोटा काम करूँगी? तू मुझे बार बार पढ़े लिखे होने का ताना मत मारा कर। सासू माँ इसमें ताना मारने वाली कौन सी बात है, जब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं क्यों ना बोलूँ? अच्छा तो तू पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, और मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ? सासू माँ मैंने ये तो नहीं कहा कि आप अनपढ़ हो, इसमें मेरा क्या कसूर? जो मैंने पढ़ा है ना वो बहुत अलग पढ़ाई है। अच्छा जरा मुझे भी तो पता चले आपने ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रखी है। घर का सारा काम करती हूँ, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और यहाँ तक कि खेत के भी सारे काम कर लेती हूँ मैं। तो सासू माँ फिर आप ना एक काम करो, आप अपनी पढ़ाई ना जारी रखो और साथ में ना चारा भी काटते रहो। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, कापियाँ काली करने से पढ़ाई नहीं होती है, घर के काम करने से सुख मिलता है। सासू माँ मुझे नहीं करनी आप वाली पढ़ाई, समझे? तो ठीक है, आज से रोटी नहीं मिलेगी फिर। क्या सासू माँ ऐसे कैसे रोटी नहीं मिलेगी, अब आप घर में मुझे ब्याह कर लाए हो तो रोटी तो आपको देनी पड़ेगी ना। काम नहीं करेगी तो तुझे रोटी नहीं मिलेगी, कान खोल कर सुन ले ये बात,
ओफो माँ, काम ही तो कर रही हूँ। आपको पता है पढ़े लिखे लोग फोन पे ही काम करते हैं। अब देखो फोन पे फेसबुक चलता है, व्हाट्सअप चलता है, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, और आपको पता है ये सब चलाना कोई हंसी मजाक बच्चों का खेल नहीं है, बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, जो आपके पास तो है नहीं। फोन से पेट नहीं भरता, पेट तो रोटी से ही भरेगा। इतना दिमाग ना घर के कामों में लगाया कर। सासू माँ, मुझसे घर के काम नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। आप कर लो, क्योंकि आपने तो डिग्री हुई हुई है ना इन कामों में। तो ठीक है, फिर रोटी नहीं मिलेगी, इन्हीं फोनों से रोटी खाना। ऐसे कैसे रोटी नहीं मिलेगी, घर वालों ने तो कुछ सिखा कर भेजा नहीं। देखो सासू माँ, मेरे घर वालों तक मत जाओ, आप समझो, आप मुझसे बात करो सीधा। तो ठीक है, तुझसे बात करती हूँ, जाकर भैंस को चारा दे और दूध निकाल। मुझसे नहीं डलता कोई चारा वारा, और आप ही निकालो दूध। चारा तू तो क्या, तेरी माँ भी डालेगी। लोग ऐसे ही नहीं मुझे फूलन आंटी कहते। मेरी माँ तक ना जा फूलन आंटी, वरना तुझे ना चंबल की घाटी में भेज दूंगी, समझ गई। एक तो फूलन देवी वो थी जिसके हाथ में हमेशा बंदूक रहती थी, और तेरे हाथ में ना चकला बेलन दे के सीधे उस घाटी पे भेज दूंगी। सिर्फ खाते रहना वहां पे बैठ के चकला बेलन से डकैतों की रोटी। मुझे भी लोग गुलाब यू ही नहीं बोलते, समझे। गुलाबो, तेरे गुलाब का तो गुलकंद पीसकर दूध में मिलाकर पी जाऊंगी मैं, ऐसे नहीं फूलन आंटी कहते मुझे। फूलन आंटी, ऐसे कैसे दूध में घोल के पी जाओगे आप मुझे। गाय ने तो दूध दिया ही नहीं, क्योंकि चारा तो डालना ही नहीं। चारा तो तुझे डालना ही पड़ेगा, अभी बताती हूँ तुझे। मैंने डाल दी कोई चारा वारा, अब क्या करेगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये वीडियो हमने मनोरंजन की दृष्टि से बनाई है। सास को हमेशा माँ के समान दर्जा देना चाहिए। सास अगर बहू को बेटी समझे और बहू अगर सास को माँ के समान समझे तो शायद किसी भी घर में लड़ाई ना हो। और अगर आप सबको हमारी सास बहू की खट्टी मीठी नोक जो पसंद आए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के साथ जो छोटी सी बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।